I welcome you in GVEL. मैं एमएन खान आज आपके साथ शेयर करूंगा CBSE बोर्ड 12th क्लास पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ सिलम की लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. इन दिस पोएम द पोएट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्ट एंड इनइक्वालिटीज. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट एक्सप्रेसेस पैथेटिक कंडीशन ऑफ द सिलम चिल्ड्रन. Now let's start the poem explanation. Far, far from gusty waves. Poet symbolic style में कहता है कि तूफानी या तेज लहरों से दूर बहुत दूर. These children's faces, इन बच्चों के चेहरे like rootless weeds, किसी जंगली घास की तरह हैं. Line like rootless weeds में poet ने poetic device simile का use किया है. The hair turned round their paler. उनके पीले चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं. The tall girl with her weighed down head. एक लंबी सी लड़की है जो दुखों के बोझ से सिर को एक ओर झुकाए बैठी हुई है. The paper seeming boy. कागज़ की तरह दिखने वाला एक दुबला पतला लड़का है. With rat's eyes. जिसकी चूहे जैसी आँखें हैं. इस लाइन में पोएट ने मेटाफर पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है. विद रेड साइज का मतलब है कि दुबला पतला दिखने वाला लड़का जो डर से सहमा हुआ है और चूहे की तरह डरपोक है. द स्टंटेड अनलकी हीयर ऑफ ट्विस्टेड. वो सूखा बौना सा बदकिस्मत मुड़ी हुई हड्डियों का वारिस है. रिसाइटिंग अ फादर्स जनरल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. अपनी डेस्क पर बैठा अपना लेसन पढ़ रहा है और अपने फादर के जोड़ों के दर्द की बीमारी के बारे में बता रहा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. एक खूबसूरत नौजवान जिस पर किसी का ध्यान नहीं है कम रोशनी वाले क्लास में पीछे बैठा है. हिज आईज लिव्स इन अ ड्रीम. उसकी आँखें ख्वाब बुनती रहती हैं. ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम. एक पेड़ के सुराख में खेल रही गिलहरी के खेल में. इस लाइन में पोएट ने पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ किया है. अदर देन दिस और इसके अलावा वो अपने लेसन पर ध्यान नहीं देता है. नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड स्टैंजा. इन दिस स्टैंजा द पोएट प्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास इन सिलम स्ट्रीट. On sour cream walls, donations Shakespeare's had. इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन करते हुए कहता है कि क्लासरूम की मटमैली गंदी दीवारों पर डोनेशन देने वालों की तस्वीरें टंगी हुई हैं. बिन बादलों की सुबह की तस्वीर है. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. सभ्यता का प्रतीक एक गुंबद की तस्वीर है जो शहर के चारों ओर से दिखाई देती है. बैलेड फ्लावरी टायरोल वैली. घंटियों और फूलों से सजी टायरोल वैली की तस्वीर है. इनमें शेक्सपियर की तस्वीर है. क्लाउडलेस एट डाउन. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. एक बड़ा सा मैप टंगा है जो दुनिया जैसी है वैसा दिखा रहा है. एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड देयर वर्ल्ड. लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये बड़ा सा मैप इनकी दुनिया नहीं है बल्कि ये खिड़कियाँ इनकी दुनिया हैं. वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग. जहाँ उनकी किस्मत पर कोहरा छा गया है. इसका मतलब ये है कि उनकी रोशन किस्मत नहीं है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लीड स्काई. ये बच्चे सकरी तंग पतली गली में रहते हैं जो एक भूरे फीके रंग के आसमान से ढकी हुई है. फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. जो नदियों खाड़ियों और शिक्षा एजुकेशन से दूर बहुत दूर है. Where all their future painted with a fog. पोएट ने
इस लाइन में पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ किया है। इट्स एनफ अबाउट द सेकेंड स्टेंजा, नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। निश्चित रूप से शेक्सपियर पापी है, दुष्ट है। इट मीन्स निश्चित रूप से शेक्सपियर इन बच्चों के लिए अनजान है, वे शेक्सपियर के लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से अनजान हैं और बड़े बड़े मैप उनके लिए बेकार एग्जाम्पल हैं। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टिंग देम टू स्टील, जिसमें जहाज और सूरज और प्यार उन्हें चोरी करने को उकसाते हैं। फोर लिब्स दैट सिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन। इन बच्चों की ज़िंदगी फॉग से लेकर ख़त्म न होने वाली रात तक कुल बुलाते हुए अपने तंग दड़बे नुमा घरों में कूड़े के ढेर पर बैठे हुए गुजरती है। वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बॉन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। इस लाइन में पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज़ करते हुए कहता है कि इन बच्चों की स्किन से इनकी हड्डियाँ झांकती हैं। इट मीन्स बच्चे अनहेल्दी हैं। विद मैंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। इस लाइन में सिमली का यूज़ करते हुए पोएट बताता है कि उनके चेहरे पर चश्मे ऐसे लगते हैं जैसे टूटी हुई बोतल के कांच के टुकड़े पत्थरों पर रखे हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनका सारा वक्त उस फॉगी प्लेस गंदी बस्ती में गुजरता है। सो ब्लॉड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इस स्टेंजा की लास्ट लाइन में पोएट सिमली का यूज़ करते हुए कहता है कि उन बड़े बड़े मैप्स पर उन गंदी बस्तियों को मौत जैसी किसी बड़ी इवेंट के रूप में चस्पा कर दो। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टेंजा। नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। पोएट कहता है कि जबकि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर उन गंदी बस्तियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, लेकिन यह मैप उनके लिए एक खिड़की ही रहता है, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ जो उनकी ज़िंदगी को कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते की तरह बंद किए हुए हैं, देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। इस लाइन में पोएट ने सिमली का यूज़ किया है। ब्रीक ओ ब्रीक ओपन टिल दे ब्रीक द टाउन। ऐसी गंदी बस्तियों को तोड़ दीजिए और तोड़ते रहिए जब तक कि ये गंदी बस्तियाँ शहर में तब्दील न हो जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, यानी उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़्योर एंड गोल्ड सैंड्स, और उनकी दुनिया को सुनहरी रेत पर नीले अंबर के साए के तले बसाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जबानों को खुले तौर पर सफ़ेद और हरे पेजेस की किताबों पर चलने दिया जाए। इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री उनकी होती है जिनकी लैंग्वेज में चमक होती है। इट मीन्स एजुकेटेड पीपल क्रिएट अ हिस्ट्री। इट्स एनफ अबाउट द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।